बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेस्टी फूड विद इरम। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए न्यू स्टाइल से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट स्पंजी गाजर की रेसिपी लेकर आई हूँ। और इस गाजर की रेसिपी को हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा यूनिक स्टाइल से और झटपट, तो बगैर स्किप किए वीडियो को देखिएगा एंड तक। ना सिर्फ ये झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है बल्कि बहुत ही ज़्यादा कम इंग्रीडियंट से इसको हम तैयार करेंगे। तो इस यूनिक स्टाइल से गाजर की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 300 ग्राम गाजर ले लिए, गाजर को छील के उनको धो लिया था मैंने। अब गाजर को छोटे छोटे पीसेस में हम काट लेंगे। इस रेसिपी में हम गाजर को ग्रेट नहीं करेंगे, तो इस वजह से ये जल्दी तैयार हो जाएगी। तो गाजर के मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए। अब फ्रेंड्स, हमें चाहिए जूसर जग, और इसमें मैंने आधी गाजर डाल दिए और साथ ही आधा कप पानी डाल दिए। अब गाजरों को हमने ग्राइंड करना है, बस इतना पानी हम इसमें डाल रहे हैं ताकि गाजरें जो है वो ग्राइंड हो जाए। तो इस तरीके से पेस्ट मैंने गाजरों को तैयार कर लिया है। अब छलनी की मदद से इसको हम छान लेंगे ताकि इसमें जितना भी जूस है वो निकल आए। और इसी तरह से जो बाकी गाजरें हैं उसका भी हम पेस्ट तैयार करके और उसका जूस निकालेंगे। एक छोटा एक कप मैं मज़ीद इसमें पानी डाल रही हूँ ताकि इसमें जितना भी गाजरों के जूस का असर है वो निकल आए। तो टोटल एक कप मैंने पानी डाला है। अब एक कप इसमें मैं कॉर्नफ्लावर डाल रही हूँ। अब पीठे की मदद से इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। अब इस ज़बरदस्त और यूनिक गाजर के मीठे में मैं रेड फूड कलर डाल रही हूँ ताकि इसका खूबसूरत सा कलर आ जाए। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, देखें कितना खूबसूरत इसका कलर आ गया। अब चूल्हा मैंने ऑन कर लिया और एक पैन में मैं डाल रही हूँ 1.5 कप चीनी, और इसमें हम डाल देंगे आधा कप पानी। अब जो इसमें हमने चीनी डाली है इसको हम मेल्ट होने देंगे। इसका हमने शीरा तैयार नहीं करना, बस जस्ट हमने चीनी को मेल्ट करना है। तो पानी बॉयल होने शुरू हो गया, चीनी अच्छी तरह मिक्स हो गई है। अब जो गाजर का मिक्सचर है वो हम इसमें डाल देंगे, और जैसे डालेंगे साथ ही साथ हमने चम्मच चलाते जाना है और इसको पकाते जाना है। अब साथ ही इसमें मैं एक चौथाई चाय का चम्मच इलायची एसेंस डाल रही हूँ, आप चाहें तो इलायची पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं। और दोबारा से इसको चम्मच लाते हुए 2 से 3 मिनट पकाएंगे। इस बात का ख्याल रखना है आप लोगों ने कि कॉर्नफ्लावर जो हमने डाला है वो नीचे ना लगे, इसलिए लगातार इसको हमने चम्मच लाते हुए पकाना है। तो फ्रेंड्स, जब इस तरह से ये थोड़ा गाढ़ा हो जाए तो अब हम इसमें 1/4 कप घी डालेंगे। घी हम इसमें डालते जाएंगे और साथ साथ इसको मिक्स करते जाएंगे। 2 से 3 मिनट इसको मज़ीद पका लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब देखेंगे जितना हमने घी डाला था वो सारा ऑब्जर्व हो गया। और फ्रेंड्स, जब तक हमारा गाजर का मीठा तैयार हो रहा है, यहाँ पर मैंने एक ट्रे ले लिए और घी से इसको ग्रीस कर लेंगे। अब इसके अंदर कोई भी साफ़ पेपर या फिर आप बटर पेपर लगा सकते हैं, वो रख देंगे और इसको भी ग्रीस कर लेंगे। ये मैं इसलिए लगा रही हूँ ताकि गाजर का जो मीठा है वो इससे आसानी से बाहर निकल आएगा। इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। देखिए, बिल्कुल भी ये बर्तन के साथ चिपक नहीं रहा, तो इसका मतलब है ये रेडी हो चुका है। तो सबसे एंड पे इसमें मैं ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ, आप अपनी मर्ज़ी के कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए, बिल्कुल भी बर्तन के साथ ये चिपक नहीं रहा, और मैंने थोड़ा सा हाथ में लिया है तो ये देखें इस तरह से हाथ के साथ ये चिपक नहीं रहा, इसका मतलब ये रेडी हो चुका है। तो झटपट से इसको हम ट्रे में निकाल देंगे। बहुत ज़्यादा यूनिक और ज़बरदस्त है ये मीठा तैयार होगा, तो ज़रूर आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अब हम इसको सेट कर देंगे और 15 से 20 मिनट के लिए इसको ठंडा होने देंगे। तो ये यूनिक सी गाजर की जो रेसिपी हम तैयार करें, इसको हम एक बर्तन में निकालेंगे। देखिए, इस तरह से इसको उल्टा कर देंगे, आप ट्रे को उठा लेंगे। तो ये देखें फ्रेंड्स, ज़बरदस्त हमारा गाजर का मीठा रेडी हो चुका है। देखिए शक्ल से कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तो नाइफ की मदद से अब हम इसके पीसेस कर लेंगे, आप अपनी पसंद की कोई भी शेप के पीसेस काट सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ट्रेडिशनल तरीके से आपने गाजर का हलवा तो बहुत बार बनाया होगा, इस तरीके से आप गाजर का मीठा बनाएं, यकीनन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और इसको मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितना सॉफ्ट स्पंजी और ज़बरदस्त ये तैयार हुए, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये तैयार हुआ है। तो इस तरह से बना के आप इसको एक माह के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। तब तक देखते रहें टेस्टी फूड विद इरम।